हेलो गाइस, आई एम हिमांशी। दिस इज सिक्स क्लास मैथ एंड चैप्टर सिक्स है इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.3। यदि हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या दिया है कि हमें फिल इन द ब्लैंक करना है और हमें क्या करना है कि ग्रेटर देन और लेस देन का इसमें हमें साइन को लगाना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या, मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी संख्या एंड द लेस देन का मतलब होता है छोटी संख्या। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला 5 greater than 3 से, तो मतलब 5 बड़ा है 3 से। यदि मैं कहती हूँ कि 3 किससे है, 3 हमारा लेस देन है किससे, 10 से, तो क्या होगा, ये हमारा लेस देन का साइन होगा। अब इसमें करते हैं हम क्वेश्चन। तो ए दिया है हमें माइनस का 3 है, प्लस करना है माइनस के 6 के साथ, फिर हम इसका ब्रैकेट इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, माइनस का 3 है और फिर माइनस है और माइनस का 6 है। तो इसके लिए क्या है, दोनों की हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो यदि हम इसमें देखें ये वाला, तो माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। तो अब कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस 6 है तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा और फिल इन द ब्लैंक है माइनस का 3 प्लस का 6, तो कितना किसके बचेंगे, प्लस के, तो क्या होगा 3। अब ये जो माइनस की जो संख्या है, यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने बनाई 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 जो भी आगे संख्या है, और 1 2 3 जब भी हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी और जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो कम होगी। अब ये यहाँ पे ये 3 है और ये कितना है यहाँ पे, सपोज करो माइनस का 9 है, तो ये क्या इससे दूर है, इस लेफ्ट हैंड साइड मतलब छोटी है, तो इसलिए जो माइनस का 9 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा लेस देन 3 से। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर अब इसमें देखते हैं हमारा बी है इसमें, तो बी में क्या कह रहा है, बी में है हमारा ये, तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस का 21 ओके, माइनस और माइनस का 10 और फिल इन द ब्लैंक है माइनस का 31 प्लस और माइनस का 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 31 और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक माइनस का 31 और प्लस माइनस माइनस और कितना होगा, माइनस का, सॉरी माइनस माइनस ये हो जाएगा 11। तो माइनस माइनस का 11 होगा। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये 21 माइनस के और प्लस के हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के 11 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है माइनस के 31 और माइनस के 11, तो दोनों जुड़ गए तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे माइनस के। तो अब ये माइनस का 11 और माइनस का ये, तो अब जो भी संख्या, अब जब 0 है यहाँ पे 0 माइनस का 1 माइनस का, इसका मतलब जो माइनस का 11 यहाँ पे होगा और माइनस का 2 इस साइड होगा, माइनस का 42। तो जो भी 0 के पास जो संख्या होगी बड़ी होगी और जो उससे दूर होगी वो छोटी होगी, तो इसलिए माइनस का जो 11 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसमें सी करते हैं, तो ये क्या 44 माइनस माइनस 11 और ये कहना फिल इन द ब्लैंक 57 और प्लस और कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे सीधा है कि 44 माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा 57 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 57 माइनस का 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 5 और 1 6 और 4 और 1 5। अब ये हो जाएगा, अब 57 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 चला कितना आएगा 3 और 5। अभी क्या है कि 56 है, 56 किससे बड़ा है, 53 से, तो ये क्या हो सकता है, ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब हमारे पास है डी, तो डी है माइनस का 25 माइनस फिर माइनस का 42, फिर हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक माइनस का 42 और माइनस आएगा और फिर माइनस का 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस 42 फिल इन द ब्लैंक माइनस का 42 और माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 42 है पर 2 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7
और यहाँ पे थ्री थ्री में से सेवन टू गया वन, तो किसके प्लस के ज़्यादा है, माइनस के, तो प्लस के ज़्यादा है तो ये प्लस के बचेंगे। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, अब यहाँ पे टू है, फोर में से फाइव गया, वन कैरी लेंगे, ट्वेल्व ट्वेल्व में से फाइव गया सेवन, यहाँ पे वन कैरी लिया था तो क्या थ्री होगा, थ्री में से टू गया यहाँ पे वन। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ माइनस के ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमारे क्योंकि 70 प्लस का, क्योंकि जीरो जब राइट हैंड साइड जाएंगे, जीरो किस साइड आएगा 17 तो, और ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका मतलब 70 ये ग्रेटर देन हो जाएगा इससे, तो ये डी हमारा हो गया। अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। अब हमने एक जो पहले हमने करे थे क्वेश्चन करे थे प्रीवियस में एक्सरसाइज में, तो इसमें क्या था कि हमने एक फार्मूला अपनाया था माइनस का ए और प्लस का ए। जब माइनस का ए कोई भी इंटीजर प्लस के इंटीजर के साथ प्लस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि माइनस का एट है और ये जीरो, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, प्लस का एट हो जाएगा। फिर हमारा 13 है और यहाँ पे जीरो आया, तो 13 जीरो, इसका मतलब यदि मैंने इसके 13 के साथ प्लस के साथ माइनस के 13 को उसमें प्लस कर दिया, वही ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आइडेंटिटी अप्लाई करके, तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 13, कि जो भी माइनस की संख्या करते हैं हम उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। अब हमारा 12 प्लस का है और माइनस का 12 है, तो कितना आ गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा दोनों, भाई प्लस का इंटीजर और माइनस का इंटीजर दोनों जीरो हो जाएगा। माइनस का 4 ये करवाते हो डी, तो माइनस का 4 है और प्लस या फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू हमारा माइनस का 12। अब यदि इस वाली संख्या की वैसे तो सीधा हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा कर लेते कि माइनस का 4 यहाँ पे ए एक्ज्यूम कर लेते हैं, एक्स मान लो कुछ भी, इज इक्वल टू का माइनस का 12। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 12 और ये साइड जाके प्लस का हो जाएगा 4। अब ए इज इक्वल टू माइनस का 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 8, और किसके बचेंगे, माइनस के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 8 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। फिर हमारे पास है ई आया, तो ई में हमें फिल इन द ब्लैंक दिया है माइनस का 15 और इज इक्वल टू आया माइनस का 10, तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे एग्जूम कर लेते हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक की जगह सपोज करो ए है, ए माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 10, तो अब ए की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 10 है और इस साइड में जाके प्लस को हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस के 15 है और माइनस के 10 है, तो कितना आएगा, प्लस के 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हमारा 4 है, 4 में फाइंड करनी वैल्यूज को, तो इसमें हमारा a है, a में दिया है माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस और माइनस का 25, तो उसको सॉल्व करना है माइनस माइनस, भाई माइनस का 7 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 25। अब ये प्लस के 25 और माइनस के कितना है 15, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, तो किस में प्लस के, तो ये होगा हमारे 10। बी का है हमारा माइनस का 13 प्लस करेंगे हमारा 32 माइनस का 8 और माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ लेंगे, माइनस का 13 माइनस का 8 तो कितना हो जाएगा 21 और 1 कितना होगा 22, तो माइनस का 22 और प्लस का 32 आ गया। तो अब ये देख लीजिए कितना आएगा, भाई 3 प्लस के हैं, भाई प्लस और माइनस में करेंगे तो प्लस में आएगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, तो ये कितना होगा 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब आया हमारे पास सी, तो सी में दिया है माइनस का 7 प्लस आया, फिर माइनस का 8 आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस का आएगा हमारा 90। अब हमारे इसमें माइनस का 7 प्लस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा हमारा 90, तो ये सारे क्या है हमारे माइनस के, ए बी माइनस सी, तो सबको जोड़ लेंगे, 7 और 8 कितना होगा 15, 15 में से 15 और प्लस कर देंगे 0 कितना का 5, तो कितना हो जाएगा 5 और कर लेंगे इसमें 1 कैरी ले लेंगे, तो 1 और 9 और 1 कितना होगा 10, तो कितना बचेगा ये हमारा माइनस के 105, ये हमारा इसका आंसर्स हो जाएगा। अब हमारे पास आया इसका डी, डी डी बचा है इसका, तो हम इसमें डी देख लेते हैं, तो डी में इसमें दिया है हमारा 50 माइनस माइनस का 40 माइनस और माइनस का 2, तो उसको करेंगे एक्सपेंड करते हैं, 50 माइनस माइनस प्लस 40 माइनस माइनस प्लस 2। अब देख लीजिए ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सब जुड़ जाएगा और सारे प्लस के आएंगे।
अब जीरो को जीरो में करेंगे, जीरो टू इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा टू। फिर अब हमारा फाइव और फोर कितना होगा नाइन, तो ये क्या होगा हमारा इसका। तो ये वाले जो एक्सरसाइज 6.3 थी, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 6.4 के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।